हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीएम मनोहर लाल ने करनाल सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि करनाल की जनता ने मुझे प्यार दिया है और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है। आगे भी उम्मीद करता हूं कि जनता जो है वो इसी तरह आशीर्वाद देती रहेगी। मैंने विधायक और सीएम के नाते विकास का कार्य किया है, सभी को साथ लेकर चला हूं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां परिवारवाद और वंशवाद था, लेकिन मनोहर लाल ने हरियाणा के लोगों को सम्मान दिया और प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदल कर रख दी। प्रदेश के विधायक दल ने हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के आशीर्वाद से एक भूमिका मुख्यमंत्री की निभाने के लिए मुझे दी और मैं समझता हूं कि प्रदेश में ये जो दायित्व निभाने के लिए जैसा भी निभाया, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका करनाल की जनता की है, क्योंकि स्वाभाविक विधायक से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उतना समय मित्रों भाइयों बहनों आप ठीक है, मुझे ध्यान में है, ये विषय पहले भी आया है, ये हमारे 4500 वेटिंग लिस्ट, इसको पूरा करेंगे, आते ही पूरा करेंगे। तो इसलिए भाइयों बहनों, करनाल की जनता के सहयोग के बिना प्रदेश में जितनी उपलब्धियां की हैं शायद वो संभव नहीं हो पाती। करनाल वासियों का तो दायित्व तो बनता है कि मनोहर लाल जी से कहें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहां का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, एक एक माता बहन स्वयं मनोहर लाल बन करके वोट मांगेगा, वोट के लिए कार्य करेगा। आप प्रदेश के अंदर सभी 89 सीटों पर जाकर के प्रचार करिए और यहां की सीट का दायित्व तो करनाल वासियों के जिम्मे सौंप दीजिए। करनाल वासी इस सीट को पिछली बार से दुगने मतों से चुनाव जिता करके भेजेंगे। ये कार्य आज करनाल वासियों को करना होगा।